हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सौरभ सिंह लेक्चर। टुडे वी आर स्टडी अबाउट बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री। प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का क्लास, और आप लोग प्रिय विद्यार्थियों से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़िए। जैसा कि मैं आपको बता दूँ कि आज का जो क्लास है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री, ठीक है। और बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री का जो यूनिट नंबर फर्स्ट है उसका नाम होता है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। और ये जो आपका पहला वाला यूनिट है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, इसका जो आज का मेरा टॉपिक है वह है आपका फॉर्मल चार्ज। आज का टॉपिक जो है उसका नाम क्या है, फॉर्मल चार्ज। और फॉर्मल चार्ज समझने से पहले, ध्यान देना, फॉर्मल चार्ज को समझने से पहले हम लोग पढ़ेंगे लेविस डॉट स्ट्रक्चर के बारे में, लुइस डॉट स्ट्रक्चर के बारे में मालूम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो लुइस डॉट स्ट्रक्चर होता क्या है इसके बारे में कुछ जान लेते हैं, ठीक है। लुइस डॉट स्ट्रक्चर, तो सबसे पहले देखो ये जो आपका लुइस डॉट स्ट्रक्चर होता है, लुइस डॉट स्ट्रक्चर यह जो आपका लुइस डॉट स्ट्रक्चर होता है, बोला जाता है कि वह स्ट्रक्चर जिसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, या कह सकते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब कह सकते हैं कि यह जो लुइस डॉट स्ट्रक्चर होता है वह किसी भी एटम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड होता है। फिर इसके बाद ये जो लुइस डॉट स्ट्रक्चर होता है इसमें बोला जाता है कि इसमें एक रूल आता है जिसका नाम होता है ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल क्या होता है, और ये जो आपका ऑक्टेट रूल होता है, बोला जाता है ऑक्टेट रूल का मतलब कि वैलेंस सेल में किसी भी एलिमेंट के या किसी भी एटम के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ऑक्टेट रूल का मतलब हो गया 8 इलेक्ट्रॉन, और 8 इलेक्ट्रॉन होने कहाँ चाहिए, वैलेंस सेल में, कहाँ पे, वैलेंस सेल में, ठीक है। ऐसे में 8 इलेक्ट्रॉन कहाँ होने चाहिए, वैलेंस सेल में होने चाहिए। फिर इसके बाद बोल सकते हैं हम लोग कि यह जो आपका ऑक्टेट रूल है इसी को हम लोग लुइस थ्योरी भी कहते हैं, लुइस थ्योरी भी कहा जाता है, ठीक है। यह जो लुइस थ्योरी था, लुइस थ्योरी में बता दिया गया कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, मतलब इस नियम के अनुसार किसी भी एटम के बाहरी कोष में अगर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, या कह सकते हैं 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, तो उसको कौन सा रूल कहते हैं, ऑक्टेट रूल, ठीक है। अब इसके बाद ये जो लुइस डॉट स्ट्रक्चर हो जाता है, लुइस डॉट स्ट्रक्चर, यह चीज़ें आपको तो फाइनली समझ में आई होंगी। अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे फॉर्मल चार्ज के बारे में, जो हमारा यहाँ से सिलेबस है, ठीक है। फिर से हम सुन लेते हैं बात। मैंने बोला कि आज आपको पढ़ना है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट केमिस्ट्री, और जिसमें पहली यूनिट का नाम होता है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। और इसमें जो पहली टॉपिक है वह क्या आपका फॉर्मल चार्ज, और जो फॉर्मल चार्ज होता है वो किस पे डिपेंड होता है, लुइस डॉट स्ट्रक्चर पर। अगर लुइस डॉट स्ट्रक्चर नहीं आ रहा तो आप फॉर्मल चार्ज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब जो लुइस डॉट स्ट्रक्चर होता है, बोला जाता है कि लुइस डॉट स्ट्रक्चर जो होगा वह किसी भी एटम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, या कह सकते हैं कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है, मतलब बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है या आउटर मोस्ट में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, वह किस पर डिपेंड करेगा आपका, लुइस डॉट स्ट्रक्चर। देखो क्या बोला गया, ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल का मतलब बोला गया कि यह जो ऑक्टेट रूल होता है इसको कौन से नाम से जानते हैं हम लोग, लुइस थ्योरी के नाम से जानते हैं। और ऑक्टेट का मतलब होता है कि कोई भी जो एटम है उसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने चाहिए, तो आप बोलेंगे 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने चाहिए, ठीक है। इतना तो आगे होगा। अब इसके बाद करना क्या है हमको,
अब आते हैं हम फॉर्मल चार्ज के ऊपर। फॉर्मल चार्ज से पहले हम लोग लुईस डॉट संरचना के बारे में कर लेते हैं, कैसे हम लोग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लगाएंगे, कैसे बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लगाएंगे, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, देखो भाई, जैसे मैं बोल दूं H2 मॉलिक्यूल लिख दिया मैंने और बोल दिया कि बताओ ये जो H2 मॉलिक्यूल है इसके पास कितने लोन पेयर और कितने बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और कितने बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो सबसे पहले क्या करते हैं, तो क्यों की वैल्यू निकालते हैं। और जहां क्यों को बोला जाता है, जहां क्यों जो हो जाता है आपको बोला जाता है कि इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या। ठीक है, बाहरी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या, तो आपको पता है कि यह जो आपका हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पास मतलब हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे 2 गुणे, आपको पता है कि जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन के पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में वो कितने होते हैं, 1 होते हैं। अब यहाँ पे जब क्यू बराबर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और ये जो 2 आया वह तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकता है और क्या हो सकता है, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जिसको हम लोग नाम देते हैं एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का हिंदी में नाम दिया जाता है एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। और यह जो आपका बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है इसको कहा जाता है बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म, बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म। अब जैसे आपको पता है कि यह जो आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है इसको इस टाइप से दिखा जाता है, आए समझ में, डॉट करके, दो डॉट अगर एक साथ लिखे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब जैसे अभी आपको बता दिया गया कि सिंगल बॉन्ड में कितने बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो आपको पता होगा कि जो सिंगल बॉन्ड होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इसके बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ऐसे आप डबल बॉन्ड के लिए बोल देंगे तो डबल बॉन्ड में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ट्रिपल बॉन्ड में कितना हो जाएगा भाई, 6 हो जाएगा। 6 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके लिए 4 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इसके लिए 2 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अब इसके बाद अगर हमको लुईस संरचना निकालनी होगी तो लुईस संरचना मतलब हमको लोन पेयर यानी कि जो डॉट हमको कैसे दिखाना होगा, तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि क्यू इक्वल टू होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्यू का मतलब मैंने क्या बोला, बाहरी कोष में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और जो कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वह लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या और बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या की क्या होगा, योग के बराबर होगा। तो जब हम क्यू बराबर करेंगे तो बताओ लोन, अगर आपको मान लो यहाँ से एलपी निकालना है यानी कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, यहाँ पे क्यू माइनस क्या करना होगा, बीपी करना होगा। तो बीपी की वैल्यू तो हमको पता नहीं, तो बीपी की वैल्यू कैसे निकलेगा, तो आपको पता है कि यह जो आपका H2 मॉलिक्यूल है, H2 मॉलिक्यूल को हम लोग इस टाइप पे लिख सकते हैं, H सिंगल बॉन्ड H लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों H के मध्य कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। जब सिंगल बॉन्ड है इसलिए यहाँ पे बीपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू हो जाएगी 2। बीपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और क्यू की वैल्यू आपको पहले से दिया गया कितना, 2 दिया है, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्यू की वैल्यू हो गया 2, बॉन्ड पेयर की भी वैल्यू आ गई 2, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 0। यानी कि यह जो आपका H2 मॉलिक्यूल होता है इसके पास कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता। कैसे आप पहचानोगे, आपको पता है कि जो आपका हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन। और यह 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके क्या कर लेता, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है, इसलिए कह सकते हैं कि यह जो हाइड्रोजन होगा, ध्यान देना सभी अपने अष्टक पूरा करते हैं, लेकिन जो हाइड्रोजन होता है वो अपना क्या पूरा करता है, डुप्लेट पूरा करता है। क्या पूरा करता है भैया, डुप्लेट मतलब बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, बस यही आपका इससे मतलब होता है। आया चीज़ें आपको समझ में। फिर इसके बाद हम और चीज़ें आपको बता रहे हैं, इसको आप कर लीजिए जल्दी से। जैसे मैं और एग्जांपल दे दूं, जैसे मैं लिख दिया यहाँ पे O2 मॉलिक्यूल के लिए, O2 मॉलिक्यूल लिख दिए, चलो इसको मिटा दें। जैसे मैं लिख दूं O2 मॉलिक्यूल, ठीक है। तो जब O2 मॉलिक्यूल होगा तो इसके लिए सबसे पहले हम क्यू की वैल्यू निकालेंगे। क्यू का मतलब क्या हो गया, बाहरी कोष में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो बताओ ये जो आपका क्यू ओ होगा वो की संख्या कितनी है, 2। और आपको पता है कि जो ऑक्सीजन होता है ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6 होते हैं, क्योंकि जो ऑक्सीजन होता है उसका परमाणु क्रमांक कितना हो जाता है, 8। ये हो जाता है 2, 6, यानी कि यह जो 6 होगा वो क्या होगा, वैलेंस सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं।
तो यहाँ पे जब q बराबर निकालेंगे तो 6 का गुणा 2 में कर देंगे कितना हो जाएगा, 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, q की वैल्यू आ गई। तो जब q की वैल्यू आ गई तो आपको यहाँ पे क्या निकालना होगा, बॉन्ड पेयर। तो सबसे पहले क्या करिएगा, जब आपको बॉन्ड पेयर निकालना होगा तो ये जो O2 मॉलिक्यूल है ना भाई, ये जो आपका O2 मॉलिक्यूल है वो सबको मतलब दो O के बीच सिंगल बॉन्ड, मतलब वो ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या फर्स्ट बॉन्ड कब लगेगा उस पर हमको डिपेंड करना है। सबसे पहले हमको क्या लगाना है, आपका सिंगल बॉन्ड लगाना है। तो जब सिंगल बॉन्ड लगा देंगे तो बताओ यहाँ पे बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी आ जाएगी, दो। वैसे तो आपको पता है कि O2 मॉलिक्यूल में वो डबल बॉन्ड O होता है, इसलिए यहाँ पे होना चाहिए था कितना बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दो। हम अभी वही चीज करेंगे, लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि सबसे पहले जब हम लोग O2 मॉलिक्यूल लिखेंगे तो दोनों O को एक दूसरे के साथ सिंगल बॉन्ड से हम लोग अटैच कर लेंगे। तो सबसे पहले आपको पता हो गया कि बॉन्ड पेयर की वैल्यू कितनी हो गई, दो हो गई। तो जब बॉन्ड पेयर की वैल्यू पता हो गई तो आपको फार्मूला मैंने पीछे डिस्कस किया कि एलपी प्लस क्या होता है, डीपी होता है, मतलब बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और आपको यहाँ से बॉन्ड पेयर की वैल्यू पता है, लोन पेयर निकालना है, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू हो जाएगा क्यू माइनस बॉन्ड पेयर। तो एल पी इक्वल टू हो जाएगा क्यू की वैल्यू टोटल आई है कितनी, 12 आई है, तो यहाँ पे 12 रख देंगे, माइनस बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी है, दो। इसलिए जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। अब ये जो 10 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। कैसे हम लोग इसको दिखाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन, तो सबसे पहले क्या करिएगा, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो 10 आपको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इस पे हम लोग दिखा दें 4, यह आपका 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे लिख लेना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर में इलेक्ट्रॉन की संख्या, एलपी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो यहाँ पे बताओ ऊपर कितने लोन पेयर हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 4 हो गया लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और हमको टोटल कितना करना है, 10 करना है। तो 4 इस पे कर दिया, 6 इस पे कर दिया, टोटल कितना हो गया भैया आपका, 10। अब आपको पता होगा कि ये जो आपका ऑक्सीजन होगा, इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ऑक्टेट कंप्लीट करना है हमको। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए देखो यहाँ पे 2, 2, 4 और एक बॉन्ड में आपको 2 इलेक्ट्रॉन यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन है। इस ऑक्सीजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन, और ये जो दूसरा वाला ऑक्सीजन इसके पास टोटल और टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका अष्टक तो पूरा है लेकिन इसका अष्टक पूरा नहीं है, तो इसलिए क्या करेंगे कि यह 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से हटा के यहाँ पे क्या लगा देंगे, डबल बॉन्ड लगा देते हैं। इसलिए कहते हैं कि यह जो आपका O2 मॉलिक्यूल होता है O और O के बीच क्या होता है, आपका डबल बॉन्ड होता है। आया चीज समझ में आपको, इतना करिए फिर हम आगे चलें। अब जब O2 मॉलिक्यूल हो जाएगा तो इसके बाद हम लोग कर लेते हैं H3O+ कर लेते हैं, H3O+ वाले वाले कर लेते हैं, H3O+ मॉलिक्यूल। जब H3O+ के लिए हम करेंगे तो सबसे पहले हमको निकालना क्या होता है, क्यों की वैल्यू, ध्यान देना। सबसे पहले क्या निकालना होगा, क्यों की वैल्यू, और आप जब क्यों की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 3 है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 3 गुणे हाइड्रोजन के वैलेंस में 1 इलेक्ट्रॉन प्लस ऑक्सीजन जो होता है ऑक्सीजन के वैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन। और ध्यान देने वाली बात है कि जिस मॉलिक्यूल या जिस कंपाउंड के ऊपर जितना प्लस रहेगा उतना ही हम लोग क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, मतलब जितना प्लस रहेगा उतना ही घटा देना, यानी कि 1 प्लस है तो 1 माइनस कर दिया, तो यहाँ पे क्यों बराबर कितना हो गया, 3 + 6 - 1, 6 × 3 = 9, 9 में से 1 क्या कितना हो गया, 8, मतलब टोटल क्यू की वैल्यू कितना आ गया, 8 आ गई। अब जब हमको क्यू की वैल्यू टोटल 8 निकालनी है तो हमको यहाँ से क्या निकालना होगा, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना होगा तो ध्यान देना यह कि यह जो आपका ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है वह सेंट्रल, ये जो आपका ऑक्सीजन वो किसका कार्य करेगा, सेंट्रल एटम का कार्य करेगा, और इसके साथ 3 हाइड्रोजन को सिंगल बॉन्ड के द्वारा इसे अटैच कर देते हैं, ठीक है। तीनों सिंगल बॉन्ड के द्वारा क्या कर देंगे, अटैच कर देंगे। और अब इसके बाद क्या करना है हमको, क्यू बराबर जब हमको वैल्यू पता हो गई 8, तो बीपी की वैल्यू निकाल लीजिएगा कि बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। तो आप पता करिएगा यहाँ पे देखो, 2, 2, 4, 4 और 2, 6, मतलब बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी होगी, 6 हो गई। अब हमको क्यू की वैल्यू पता हो गई, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पता हो गई, तो हमको यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना होगा। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू होता है क्यू माइनस बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्यू माइनस बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो क्यू की वैल्यू टोटल कितना है भैया, क्यू की वैल्यू है 8 माइनस बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है आपका, 6, तो 8 में से 6 क्या कितना बचा आपका, 2, यानी कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 2। अब ध्यान देना कि किस भी हम लोग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लगाएंगे, आपको पता है कि जो ऑक्सीजन होता है ऑक्सीजन के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 होते हैं, और यह अधिकतम कितना बॉन्ड बनाता है आपका, 1 बॉन्ड बनाता है।
और ध्यान देने वाली बात यह है कि यह जो आपका हाइड्रोजन मॉलिक्यूल होता है यह केवल और केवल अपना डुप्लेट कंप्लीट करने पर ध्यान देता है। तो यह हाइड्रोजन का जो डुप्लेट कंप्लीट है, एक सिंगल बॉन्ड तो दो इलेक्ट्रॉन हो ही गया, अब यह वाला हाइड्रोजन इसके पास भी डुप्लेट है, यहाँ पे भी डुप्लेट कंप्लीट है, इसलिए हम लोग जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है उसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं लगाएंगे। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आपको लगाना होगा तो किस पे लगाएंगे, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पर लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन देखो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन, दो दो चार, चार दो छः इलेक्ट्रॉन, मतलब आपको मैंने बताया ना भाई कि जो सिंगल बॉन्ड होते हैं उसमें दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसमें सिंगल बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन, दो दो चार, चार दो छः, छः दो आठ, आठ इलेक्ट्रॉन हो गया, इसलिए आप कह सकते हो कि जो ऑक्सीजन उसका डुप्लेट क्या हो गया, उसका अष्टक या ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, और इसके ऊपर हम क्या लगा देंगे, कोई पॉजिटिव चार्ज लगा देते हैं। ठीक है, आया समझ में? इसके ऊपर हम लोग कौन सा आवेश लगा देंगे, पॉजिटिव चार्ज कर देंगे। इस टाइप में हम लोग इसको करते हैं, कैसे इसके ऊपर ऑक्टेट रूल फॉलो करेंगे, किसके ऊपर लोन पेयर लगाएंगे, कैसे क्यों की वैल्यू निकालनी, कैसे बीपी की वैल्यू निकालनी, सब मैं आपको बता दिया। अब इसके बाद मैं और एग्जांपल आपके बीच में रख रहा हूँ, ठीक है, चलते हैं। अब इसके बाद आ जाते हैं, जैसे आपको दे दिया गया है NaH4 यानी H4 मॉलिक्यूल, यहाँ पे प्लस दे दिया गया। अब NaH4 मॉलिक्यूल में कैसे हम लोग क्यों की वैल्यू निकालेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि जब हम लोग यहाँ से क्यों की वैल्यू निकालेंगे, क्यों बराबर, आपको पता है कि यह जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन के पास बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो आपको पता है कि यह जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, सात, सात का मतलब हो गया दो कामा पाँच, यानी कि इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, पाँच, तो यहाँ पर हम लिख देंगे पाँच। प्लस हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, चार, तो चार गुणे हाइड्रोजन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, एक, और मैंने बोला कि जितना प्लस रहेगा उतना ही माइनस कर लेंगे, तो यहाँ पे एक प्लस है इसलिए यहाँ पे क्या कर देंगे, एक माइनस, तो यहाँ पे क्यों की वैल्यू टोटल निकल के आ जाएगी, पाँच प्लस चार माइनस एक, तो क्यों की वैल्यू हो जाएगी पाँच प्लस तीन बराबर कितना, आठ हो जाएगा, क्योंकि वैल्यू टोटल हो गई आठ। तो जब हमको निकालना होगा क्या, इसके बाद निकालना होगा बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो जब बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना होगा तो हमको यहाँ पे क्या दिया गया, एन एच फोर, और यहाँ पे जो एन एच फोर है इसमें जो यन होगा वो किसका कार्य करेगा, सेंट्रल एटम का कार्य करेगा, और इसके साथ तीन हाइड्रोजन को हम लोग किससे जोड़ देते हैं, सिंगल बॉन्ड से जोड़ देते हैं सबको। देखो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड के द्वारा पहले मॉलिक्यूल को जोड़ा जाता है, फिर उसके बाद जैसे आपको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पड़ जाएगा उसके अनुसार आप डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड लगा लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज है। अब ध्यान देना अब यहाँ से बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं भाई, दो इलेक्ट्रॉन, यहाँ से सिंगल बॉन्ड है, दो दो चार, दो छः, छः दो आठ, इसलिए बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ कितना हो गया, आठ हो गया। जब हम लोग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू हो जाएगा क्यू माइनस बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो क्यू की वैल्यू टोटल कितना, आठ, और बॉन्ड पेयर की वैल्यू आ गई आठ, घटा देंगे कितना, जीरो, और यह जो जीरो होगा वो किसका कार्य करेगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि कह सकते हैं कि जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी संख्या कितनी होगी, जीरो, यानी कि किसी के ऊपर कोई लोन पेयर नहीं लगेगा। ठीक है, करिए इसको जल्दी से फटाक से करिए, और एक तो मॉलिक्यूल देंगे, फिर उसके बाद हम आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर चार्ज, ठीक है, करनी, तो जब करनी है तो इसके बाद हम लोग बता देते हैं NO3- के ऊपर, NO3- मॉलिक्यूल, NO3- मॉलिक्यूल, तो सबसे पहले यहाँ से क्यों की वैल्यू निकालेंगे, तो आपको पता है कि नाइट्रोजन के बारे को उसमें पाँच इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन की संख्या तीन है, और ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, छः, और जितना प्लस होगा उतना माइनस, तो जितना माइनस है तो उतना क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, ये हो जाएगा पाँच प्लस छः का गुणा तीन करेंगे 18 प्लस एक, तो कितना हो जाएगा 24, ये होगा ना, क्यों की वैल्यू आ गई 24, जब क्यों की वैल्यू 24 आ गई तो हम इसके बाद क्या निकालेंगे, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जब बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे तो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमको क्या करना होगा कि यह जो आपका NO3 है, NO3 मॉलिक्यूल, इसमें ऑक्सीजन, तीन ऑक्सीजन को हम लोग किससे जोड़ देंगे, सिंगल बॉन्ड के द्वारा जोड़ देंगे, और यहाँ पे माइनस चार्ज है तो हम लोग यहाँ पे माइनस चार्ज लगा लेते हैं।
अब बताओ क्या करना है, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर, देखो आपका दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, मिलकर कितना हो गया, छः इलेक्ट्रॉन हो गया। जब टोटल छः इलेक्ट्रॉन हो गया तो हमको क्या निकालना होगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना होगा। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, क्यू माइनस हो जाएगा बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो क्यू की वैल्यू कितनी है, 24 माइनस बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है 6, तो 24 में से 6 का कितना हो गया भैया आपका, 18 हो गया लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो आपको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18 जब पता हो गया तो आप कैसे इसको कर पाओगे, तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पर कितने, तीन तीन लोन पेयर लगा देते हैं, यानी कि 6 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लगा देते हैं। मतलब अगर पेयर का मतलब मैं तीन बोलूँ तो तीन का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जब 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो आप ध्यान देना कि यह जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसका मतलब कि जो नाइट्रोजन होगा उसके पास टोटल कितने वैलेंस सेल में, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और कितना बॉन्ड का फॉर्मेशन करना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पर जो नाइट्रोजन की बात करें, अगर यह नाइट्रोजन आप देखोगे यहाँ से, अगर हम लोग ऑक्सीजन के पास कितना, 2, 2, 4, 2, 6 इलेक्ट्रॉन, 2, 2, 4, 2, 6, मतलब जो साइड वाले एटम्स होते हैं उनका वैलेंस सेल क्या आपका कंप्लीट है ना, यानी कह सकते हैं उसका ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है। हमेशा ध्यान देना कि यह जो आपका साइड वाला होता है इसका ऑक्टेट क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, और यह जो आपका सेंट्रल एटम होता है, सेंट्रल एटम के पास बैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं, 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो जाए लेकिन 8 इलेक्ट्रॉन से कम नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि हम यहाँ से माइनस अभी आप लोग देखो मैं बताऊँगा कि माइनस किस पे लगेगा। तो यह यहाँ से मैं बॉन्ड, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन हटाऊंगा और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, और इसके ऊपर मैंने माइनस चार्ज लगा दिया है। तो यही हो जाता है आपका ऑक्टेट रूल, मतलब कैसे हमको डॉट दिखाएं, किसके ऊपर डॉट दिखाना है, किसके ऊपर नहीं दिखाना है, तो इस टाइप हम लोग करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आपको पता है, जैसे मैंने बता दिया NO3-, अब NO3- का मतलब कि यह माइनस किस पे है, नाइट्रोजन पर है कि ऑक्सीजन पर है। एक्यूरेट अगर हमको निकालना होगा तो हम लोग इसके बारे में बताते हैं एक टॉपिक जिसका नाम होता है फार्मर चार्ज। और यह फार्मर चार्ज आपको बताएगा कि यह जो आपका माइनस चार्ज होता है या जो प्लस चार्ज होता है वह किस पे लगेगा। जैसे मैं अगर बोल दूँ कि बताओ सल्फेट आयन SO4-, तो यह जो सल्फेट होगा यह 2- किस पे लगेगा, यस पे लगेगा कि ओ पर लगाएगा। तो इसको बताने के लिए एक जो चार्ज पढ़ना होता है हमको, उसका नाम होता है फार्मर चार्ज होता है, ठीक है। फार्मर चार्ज के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, इसको करिए। अब हमको करना क्या है, फॉर्मल चार्ज के बारे में करना है। तो आपको पता होगा फॉर्मल चार्ज, फॉर्मल चार्ज जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान देना। फॉर्मल चार्ज, ठीक है, फॉर्मल चार्ज। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं फॉर्मल चार्ज के लिए फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मल चार्ज बराबर वी का मतलब क्या हो गया, वैलेंस सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या, माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, माइनस बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय 2। और ये जो नॉन बॉन्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है इसको हम लोग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी पढ़ते हैं। नॉन बॉन्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको नाम दिया जाता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो मैं इसके बारे में थोड़ा सा डिफिनेशन आपको बताऊंगा, फिर उसके बाद हम फॉर्मल चार्ज निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। देखो जैसे मैं आपको बोल दूं कि द फॉर्मल चार्ज ओवर एन एटम ऑफ ए पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स ऑर्बिटल्स, या लिख सकते हैं मॉलिक्यूल्स आर आयंस, ठीक है। द फॉर्मल चार्ज ओवर एन एटम ऑफ ए पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स आर आयन इज द डिफरेंस
इज द डिफरेंस बिटवीन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन of that atom in the elemental state. ठीक है, यह हो जाता है फॉर्मूला की द फॉर्मल चार्ज ओवर एन एटम ऑफ ए पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स आयन इज द डिफरेंस बिटवीन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ दैट एटम इन द एलिमेंटल स्टेट। ठीक है, अब जैसे मैं अगर बोलूं कि बताऊं SO4 टू माइनस के लिए फॉर्मल चार्ज क्या होगा, बोल दिया जाए कि बताओ SO4 टू माइनस मॉलिक्यूल जो है इसका फॉर्मल चार्ज क्या होगा, तो फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए मैं आपको तरीका मैं बता दूं। तो सबसे पहले क्या करेंगे भाई, जैसे हम लोग पिछला जो पढ़ रहे थे ना, जैसे क्यू की वैल्यू निकालना है तो ऐसे ही करना है। क्यू बराबर अगर हमको निकालना हो टोटल, तो क्यू बराबर कितना हो जाएगा भैया, जो सल्फर होता है सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, और जो सल्फर होता है उसके बैलेंस शीट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, प्लस ऑक्सीजन की संख्या कितनी है 4, और ऑक्सीजन के बैलेंस शीट में कितने इलेक्ट्रॉन 6, और मैंने बोला जितना माइनस होगा क्या कर देना हमको प्लस कर देना है। तो क्यू बराबर बताओ कितना हो जाएगा, 6 + 24 + 2 टोटल हो जाएगा कितना भी आपका 32 इलेक्ट्रॉन को हो जाएंगे बैलेंस शीट में। अब जब क्यू की वैल्यू हमको पता हुई तो हमको क्या निकालना होगा, बॉन्ड पेयर। तो बॉन्ड पेयर कैसे निकलेगा, जैसे भी मैंने बताया ना बॉन्ड पेयर निकालने के लिए कि सबको पहले किससे जोड़ दिया जाता है, सिंगल बॉन्ड से। तो SO4 था तो सभी ओ को मैंने किससे जोड़ दिया, सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिया। तो अब बताओ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा भैया, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8। तो जब बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इतना हो गया 8, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकलेगा, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर क्यू माइनस बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो आपका क्यू की वैल्यू होगी, क्यू की वैल्यू है 32 और बॉन्ड पेयर की वैल्यू हो गई 8, तो टोटल कितना हो गया अभी आपका 24। आए समझ में, 24 का मतलब क्या करिएगा, 24 का मतलब हो गया कि यह जो आपका ऑक्सीजन है इसके वैलेंस शीट में कितना करते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। मतलब यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे 6 लोन पेयर दे दिया इलेक्ट्रॉन की, इस टाइप में मैंने बढ़ा दिया। ठीक है, कितना हो गया देखो 6, 12, 18, 24 हो गया आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आया समझ में इतना। अब जब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप 24 निकाल लिए तो आपको ध्यान क्या देना है, आपको यहाँ पे अब ध्यान देना है किस चीज़ का, तो आप बोलेंगे कि हमको जब सबके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात निकल गई तो अब ध्यान देना कि यह जो आपका सल्फर है सल्फर का क्या ऑक्टेट कम्प्लीट है। अगर सल्फर का ऑक्टेट कम्प्लीट होगा, ध्यान देना, अगर सल्फर का ऑक्टेट कम्प्लीट होगा तब हम लोग कर सकते हैं। मतलब मैंने बोला कि ऑक्टेट कंप्लीट भी हो, ऑक्टेट से ज़्यादा भी इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से बताओ यहाँ से निकाल के बॉन्ड यहाँ पर लगा सकते हैं, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से हटा के दो यहाँ पर बॉन्ड बना सकते हैं। हाँ, क्योंकि आपको पता है कि दो इलेक्ट्रॉन का मतलब एक बॉन्ड होता है, तो मैंने बना दिया। तो अब देखो यहाँ पे ये जो सल्फर होगा, सल्फर के पास देखो अब दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से बैलेंस सेल में, 2, 2, 4, 4, 5, 6 छः आपको बैलेंस शीट में इलेक्ट्रॉन हो गए और ऑक्टेट भी आपका कंप्लीट हो गया, ऑक्टेट से ज़्यादा भी हो गया। देखो आपका यहाँ पर हो गया 4 इलेक्ट्रॉन 4, 4, 8, 8, 4, 12 इलेक्ट्रॉन। मैंने बोला ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, ऑक्टेट से भी ज़्यादा हो जाएगा तो चल जाएगा। ठीक है, तो यह देखो मैंने डबल बॉन्ड क्यों लगाया, तो मैंने बोला कि यह जो सल्फर होता है सल्फर के बैलेंस शीट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए यह जो 6 इलेक्ट्रॉन होंगे वो बॉन्ड फॉर्मेशन में काम कर लेते हैं, भाग ले लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, फॉर्मल चार्ज निकालेंगे। ठीक है, फॉर्मल चार्ज, फॉर्मल चार्ज हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखो 4 ऑक्सीजन है ना, एक ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा ऑक्सीजन और चौथा ऑक्सीजन। जो हम पहले वाले ऑक्सीजन का जो फॉर्मल चार्ज निकालेंगे वही दूसरे वाले का आएगा, जो तीसरे वाले का फॉर्मल चार्ज निकालेंगे वही फॉर्मल चार्ज किसका आएगा, चौथे वाले का आएगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, फॉर्मल चार्ज ऑन फर्स्ट ऑक्सीजन एटम। ठीक है, फॉर्मल चार्ज ऑन फर्स्ट ऑक्सीजन एटम, लिख लेंगे फॉर्मल चार्ज ऑन फर्स्ट ऑक्सीजन एटम।
तो फर्स्ट ऑक्सीजन एटम के लिए जब हम करेंगे तो क्या करना होगा, वी। वी का मतलब हो गया जिसका आपको निकालना फॉर्मल चार्ज उसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो आपको पता है जब ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 6। माइनस होता है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आप देखो ये ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, 2, 2, 4, 4, 2, 6। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 6। माइनस क्या होता है, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये बताओ ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाया, एक ही बॉन्ड बनाया ना, तो एक बॉन्ड बनाया तो एक बॉन्ड का मतलब कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, बटे में कितना हो जाएगा, 2। ये कट गया कितना हो गया, 1। ये कट गया तो बताओ कितना हो गया, -1। यानी कि ये जो ऑक्सीजन एटम होगा इसके ऊपर कितना हो गया, माइनस। तो ये दूसरे वाले का भी कितना आएगा, -1 हो जाएगा। ध्यान देना, अब इसके बाद इस पर आते हैं हम लोग तीसरे वाले पे। जो तीसरे वाले का आएगा वही आपका आप लिख लेते हैं, फॉर्मल चार्ज ऑन थर्ड ऑक्सीजन एटम, थर्ड ऑक्सीजन एटम। तीसरे वाले ऑक्सीजन एटम पर फॉर्मल चार्ज तो आप क्या लिखोगे, वी माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाई क्यू। तो आपको पता है कि जो ऑक्सीजन होता है ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। माइनस ये जो ऑक्सीजन है इस ऑक्सीजन के पास बताओ कितना नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, 2, 2, 4। नॉन बॉन्डिंग मतलब लोन पेयर, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 4। तो 6 माइनस 4, माइनस क्या हो जाएगा, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यह ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाया, 1 और 2 बॉन्ड बनाया। 2 बॉन्ड का मतलब कितना इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, बटे में कितना हो गया, 2। तो ये हो जाएगा 6 में से कितना गया, 4 गया, तो हो गया कितना, 2। और ये हो जाएगा आपका 2 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब थर्ड ऑक्सीजन एटम पर जो फॉर्मल चार्ज आएगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। समझ में आया, थर्ड वाले ऑक्सीजन एटम पर जो फॉर्मल चार्ज आएगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब इस पर 0 आ जाएगा तो इसका भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब हम लोग किस पर निकाल लेते हैं, सेंट्रल एटम यानी कि सल्फर को निकाल लेते हैं, फॉर्मल चार्ज ऑन सल्फर एटम। फॉर्मल चार्ज ऑन सल्फर एटम इक्वल टू सल्फर के वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन माइनस सल्फर कितना नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है इसके पास, देखो इसके पास कोई नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिख रहा है यहाँ पे, कोई डॉट वाला दिख रहा है, तो कहेंगे नहीं। जब नहीं दिख रहा है यहाँ कितना हो जाएगा, 0 माइनस ये जो सल्फर है वो कितना बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो देखो यहाँ पे ध्यान देना, ये जो सल्फर है 2 बॉन्ड यहाँ पे बनाया, 2 बॉन्ड का 4 इलेक्ट्रॉन, 4, 4, 8, 8, 2, 10, 10, 2, 12, बटे कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 6 माइनस 0 माइनस 6, ये कट गया, टोटल कितना हो गया, 0। यानी कि कह सकते हैं कि यह जो सल्फर होगा इसके ऊपर भी कितना होगा, फॉर्मल चार्ज 0 होगा। तो इस टाइप में हम लोग फॉर्मल चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट कर पाते हैं। ठीक है, आया समझ में, नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं, नए टॉपिक आपको बताते हैं। सही, चलते हैं नए एग्जाम्पल के साथ। अब इसके बाद अगला एग्जाम्पल कर लें, अगला एग्जाम्पल लिख देते, जैसे कि H2SO4, H2SO4 तो H2SO4 का कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले जब H2SO4 को उनको निकालने की बात आए तो हम लोग किसकी वैल्यू निकालेंगे, क्यू की वैल्यू। ध्यान देना, क्यू की वैल्यू, तो जब क्यू की वैल्यू निकालेंगे तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2, और हाइड्रोजन की वैल्यू से कितना इलेक्ट्रॉन, 1, प्लस सल्फर जो होता है सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 16, और इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भैया, 6, प्लस 4 पूरे ऑक्सीजन के भी वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 6, तो यह हो जाएगा 2 प्लस 6 प्लस 24, 24, 36 और 2, 32। ठीक है, टोटल क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 32 आ जाएगी। जब क्यू की वैल्यू आ गई तो हम लोग किसका नाम और किसकी वैल्यू निकालेंगे, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए यहाँ पे जो आपका सल्फर होगा, यहाँ पे जो सल्फर होगा वो सेंट्रल एटम का कार्य करेगा, और इसके साथ कितने ऑक्सीजन जुड़ेंगे भैया, 1, 2, 3, 4 ऑक्सीजन, और कितने हाइड्रोजन, 2। तो 2 हाइड्रोजन जोड़ना है, 1 हाइड्रोजन यहाँ पे जोड़ दो, 1 हाइड्रोजन यहाँ पे जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। आया समझ में, H2SO4 हो गया। तो जब H2SO4 हो गया तो जब यहाँ पर आपको वैल्यू तो पता हो गई, तो हम लोग क्या निकालेंगे, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जब बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे तो आप बोलोगे कि यहाँ पे जो आपका ऑक्सीजन है,
ये जो बॉन्ड पेयर आप लिख रहा है, तो देखो आपका यहाँ से दो बॉन्ड, दो इलेक्ट्रॉन, दो दो चार, चार दो छः, दो आठ, दस और दो बारह, टोटल कितने हो गए 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो कितना निकलेगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्यू माइनस बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्यू की वैल्यू कितना 32 और माइनस 12, 32 में से 12 गया कितना 20, 32 में से 12 गया कितना 20 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर क्या दिखा देंगे 6 दिखा दें, यहाँ पर भी कितना दिखा दें 6, 6 6 12 और यहाँ पर दिखा दें कितना 4 4 इस पर दिखा दें। तो जो साइड वाले सब है उनका तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, जैसे आपका ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का अष्टक तो पूरा हो गया, इस ऑक्सीजन का अष्टक पूरा हो गया, इसका अष्टक पूरा हो गया, इसका अष्टक पूरा हो गया, लेकिन ये जो आपका सॉरी ये जो आपका हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का डुप्लेट भी कंप्लीट है, ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन इसके पास हो गया। अब ये जो सल्फर एटम होता है, सल्फर एटम इसका भी ऑक्टेट क्या है कंप्लीट है, ऑक्टेट कंप्लीट है ना भाई, देखो दो दो चार दो छः, छः दो आठ इलेक्ट्रॉन। और मैंने आपको बोला होगा यह जो आपका सल्फर होता है, सल्फर का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए और सल्फर में दो से क्या हो जाए मतलब आठ से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो चलेगा, यहाँ से इसको और घटा लेंगे और इसको यहाँ से दो और यहाँ से घटा लेंगे, ठीक है। तब यहाँ पे देखो ये जो सल्फर होगा, सल्फर के वैलेंस सेल ऑक्टेट तो कंप्लीट था लेकिन वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन तो भी गिनती करना था, हमको छः इलेक्ट्रॉन लाना था ना। देखो अगर सिंगल बॉन्ड मानो, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, पहले सिंगल बॉन्ड कर दिया, ध्यान देना यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, तो अब बताओ ये जो सल्फर होगा, सल्फर का एक दो तीन चार, चार इलेक्ट्रॉन है ना, और आपको बताया गया कि जो सल्फर होता है सल्फर के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो बॉन्ड फॉर्मेशन में कितने इलेक्ट्रॉन भाग देंगे, जितने वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं वही बॉन्ड फॉर्मेशन में क्या करते हैं भाग लेते हैं, इसलिए यहाँ पे कितना होना चाहिए 6 वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, यानी कि यहाँ से डबल बॉन्ड लगेगा और दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से लगाएंगे तो यहाँ पे लग जाएगा। तो अब यहाँ पे अगर इतना आपको समझ में आ गया तो अब तो बाकी चीज़ तो आप कर ही लेंगे ना, फॉर्मल चार्ज, फॉर्मल चार्ज इक्वल टू होता है वी माइनस एल पी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि नॉन बॉन्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, माइनस बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय टू, ठीक है। अब इसमें देखो हम लोग ऑक्सीजन और हाइड्रोजन सबका अलग अलग कर रहे हैं, तो सबसे पहले जो हम लोग निकालेंगे फॉर्मल चार्ज, पहला निकाल लेते हैं फॉर्मल चार्ज ऑन फर्स्ट ऑक्सीजन एटम, फर्स्ट ऑक्सीजन एटम, तो ये जो आपका पहला ऑक्सीजन मान लो, इसको मान लो दूसरा ऑक्सीजन एटम, इसको मान लो तीसरा ऑक्सीजन एटम और इसको मान लो चौथा ऑक्सीजन एटम, ठीक है, और इसको पहला हाइड्रोजन और इसको क्या मान लो दूसरा हाइड्रोजन। तो हम लोग पहले ऑक्सीजन एटम के लिए जब करेंगे तो एफ सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो एफ सी इक्वल टू वी, वी का मतलब ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन 6, और यह जो आपका ऑक्सीजन इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 2 और 2 मिलकर कितना है 4, समझ में आया, दो और दो मिलकर कितना हो गया 4, माइनस यह जो आपका ऑक्सीजन उसके पास कितने बॉन्ड बन रहे हैं 2 बॉन्ड बन रहा है, 2 बॉन्ड का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 बटे कितना हो गया 2, तो बताओ यहाँ पे 6 में से 4 गया कितना हो गया 2, माइनस ये कट गया कितना हो गया 2, 2 माइनस 2 बराबर कितना हो गया 0। अब इसके बाद दूसरा हम निकालते हैं फॉर्मल चार्ज ऑन सेकेंड ऑक्सीजन एटम, सेकेंड ऑक्सीजन एटम, तो दूसरे वाले ऑक्सीजन एटम पर जब निकालेंगे तो यहाँ पे बताओ क्या हो जाएगा, फॉर्मल चार्ज इक्वल टू ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन 6, और ये जो दूसरा वाला ऑक्सीजन एटम है इसके पास कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 2 और 2 मिलकर कितना है 4 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, माइनस ये जो ऑक्सीजन इसके पास बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, तो आप बोलेंगे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है बॉन्ड वाला, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 बटे कितना हो गया 2, तो बताओ 6 माइनस 4 माइनस कितना 2 बराबर कितना हो जाएगा 0, मतलब ये जो दूसरा वाला ऑक्सीजन एटम है इसके पास भी फॉर्मल चार्ज कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो जब दो के लिए कर लिए तो आप लोग अब तीसरे वाले के लिए कर लीजिएगा, फॉर्मल चार्ज ऑन थर्ड ऑक्सीजन एटम, थर्ड ऑक्सीजन एटम, ठीक है। तो जब थर्ड वाले ऑक्सीजन एटम के लिए करेंगे तो आपको पता होगा कि एफ सी इक्वल टू हो जाएगा वी, और आपको पता है कि जो ऑक्सीजन होगा ऑक्सीजन की वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, अब इसके बाद ये जो ऑक्सीजन हो कितना बॉन्ड पे कितना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास, तो 4 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, माइनस बॉन्ड पेयर कितना है, तो आप बोलेंगे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, तो 2 दूनी कितना हो गया 4 बटे कितना हो गया 2, यानी कि 6 में से 4 गया 2, माइनस 2 बराबर कितना हो गया 0,
ठीक है। अब इसके बाद जो चौथे वाले ऑक्सीजन एटम की बात करें, लिख लेते हैं फॉर्मल चार्ज ऑन फोर्थ ऑक्सीजन एटम। तो जो चौथे वाले ऑक्सीजन एटम की बात करें तो यह निकाल रहे हैं यहाँ से V का मतलब हो जाएगा 6, और यह जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 लिख दिया। माइनस बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो बताओ दो बॉन्ड का मतलब कितना इलेक्ट्रॉन, 4 बटे कितना हो गया 2, इसको भी सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 0 आएगा। अब हम लोग लास्ट वाला कर लेते हैं, फॉर्मल चार्ज ऑन सल्फर एटम। तो सल्फर के वैलेंस सेट में 6 इलेक्ट्रॉन, ध्यान देना सल्फर के वैलेंस सेट में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो सल्फर इसके पास कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी कि 0। माइनस यह जो आपका सल्फर होता है, सल्फर के पास कितना बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे देखो 4 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से 4 4 8 2 10 10 2 12, तो यहाँ कितना हो जाएगा 12 बटे 2, यानी कि कितना हो जाएगा 6 माइनस कितना हो जाएगा भैया आपका 6 बराबर कितना हो जाएगा 0। इस टाइप आप लोग हाइड्रोजन और दोनों हाइड्रोजन का कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब समझ में आया कि यह जो आपका H2SO4 होता है, इसके ऊपर कोई आवेश नहीं होता, ना कोई चार्ज होता, मतलब आवेश मीन्स चार्ज हो गया, मतलब इसके ऊपर कोई आवेश नहीं होता, ठीक है। करिए जल्दी से, चलते हैं आगे, बता दें दूसरा वाला। अब H2SO4 हो गया, मैं अब बता देता हूँ आपको SO4 2 माइनस का। देखिएगा फॉर्मल चार्ज ऑन, सबसे पहले किसका निकालना है, SO4 2 माइनस मॉलिक्यूल के लिए फॉर्मल चार्ज, ठीक है। तो फॉर्मल चार्ज SO4 2 माइनस के लिए जब निकालेंगे तो हमको क्या करना होगा, पहले सल्फर लिखेंगे और सल्फर के साथ जो आपका चारों ऑक्सीजन उसको कैसे जोड़ देंगे, सिंगल बॉन्ड से जोड़ देंगे, ठीक है। सल्फर के साथ चारों ऑक्सीजन कैसे जुड़ गया, सिंगल बॉन्ड से जुड़ गया। अब यहाँ पे 2 माइनस किसके ऊपर है वह अभी हम लोग सॉल्व करेंगे तब हमको पता चलेगा। तो सबसे पहले किसकी वैल्यू निकालनी होगी, क्योंकि वैल्यू निकालनी होगी तो आपको पता होगा कि यहाँ पे सल्फर कितना 1 है, और सल्फर के बैलेंस शीट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 प्लस यहाँ पे 4 गुणे ऑक्सीजन के वैलेंस शीट में 6 इलेक्ट्रॉन, और जितना माइनस होता है उतना क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। तो क्यू बराबर बताओ 6 प्लस 24 प्लस कितना हो जाएगा 2, यानी कि क्यू बराबर टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा 24, 36 और 2 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो जब 32 हो गया तो हम क्या निकालेंगे, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे। तो आप यहाँ से देखिएगा कि जो सल्फर है, सल्फर के पास 1 2 3 4 बॉन्ड है, 4 बॉन्ड का मतलब यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो जब 8 इलेक्ट्रॉन हो गया तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू होता है q माइनस बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो q की वैल्यू कितनी है 32, माइनस कितना हो जाएगा 8, बराबर कितना हो जाएगा 24, यानी कि आपको क्या दिखाना है, 24 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाना है, 24 लोन पेयर दिखाना है, यानी कि 6 इस पे दिखा दो, 6 और इस पे भी 6 और इस पे भी आपको कितना दिखा दें, 6, ठीक है। मतलब यहाँ पे 24 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को 4 ऑक्सीजन के ऊपर मैंने लगा दिया, ठीक है। अब देखो आप क्या करोगे कि यह जो सल्फर है, सल्फर के बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आप बोलेंगे सल्फर के बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6 होते हैं। तो सल्फर के बैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 6 बॉन्ड होना चाहिए था इसके साथ, तो 6 बॉन्ड का मतलब क्या हो गया, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन हटाएंगे, यहाँ पर बॉन्ड लगा देंगे, तो बताओ 1 2 3 4 5 होगा। अब यहाँ पे बताओ यहाँ से 2 बॉन्ड हटाएंगे, यहाँ पे लगा देंगे, तो इसका मतलब क्या हो गया कि यह जो आपका सल्फर हो गया, सल्फर का ऑक्टेट से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए। मैंने क्या बोला, ऑक्टेट से ज़्यादा हो जाए लेकिन कम न हो, ठीक है। तो अब बताओ यहाँ पे यह जो सल्फर है, सल्फर के बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन हो गए ना 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से 2 2 4 4 2 6, और जो सल्फर होगा उसके बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल, अब ऑक्टेट उसका कितना हो गया भैया, तो 2 4 4 8 2 10 2 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। मतलब क्या करना है अब आपको, आपको फॉर्मल चार्ज निकालना है भैया, फॉर्मल चार्ज ऑन फर्स्ट ऑक्सीजन एटम कर लो, फर्स्ट ऑक्सीजन एटम। तो पहले वाले ऑक्सीजन एटम पर जो फॉर्मल चार्ज आएगा
वही वाले किस पे आ जाएगा, दूसरे वाले पर, क्योंकि यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड है 6 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड है 6 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि दोनों देखने के बाद एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, यानी कि जो इस पर फॉर्मल चार्ज आएगा वही दूसरे वाले पर आएगा, और यह देखो आपका जो तीसरे वाले पर आएगा वही फॉर्मल चार्ज किस पर आएगा, चौथे वाले ऑक्सीजन एटम पर आएगा। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मल चार्ज निकालेंगे, तो आपको पता होगा कि यह जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन के वैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 माइनस कितना हो जाएगा भैया, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, 2, 4, 2, 6 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर कितना है, 2/2 कट गया -1, मतलब पहले वाले ऑक्सीजन पर कितना हो गया माइनस, तो दूसरे वाले पर भी कितना आएगा माइनस। अब ऑक्सीजन यहाँ पे क्या कहते हैं, फॉर्मल चार्ज ऑन थर्ड ऑक्सीजन एटम, जो तीसरे वाले पर आएगा वही चौथे वाले पर फॉर्मल चार्ज आएगा, ठीक है। तो बताओ फॉर्मल चार्ज ऑन थर्ड ऑक्सीजन एटम, तो तीसरे वाले के लिए करेंगे तो हमको बैलेंस सेल लिखना होगा, तो ऑक्सीजन के बैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6 माइनस। अब यह जो ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो 2 और 2 मिलकर कितना है 4 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है माइनस। ये ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाया, 2 बॉन्ड बनाया, 2 बॉन्ड का मतलब कितना इलेक्ट्रॉन, 4/2 कितना हो गया 2। तो बताओ 6 में से 4 गया कितना, 2 - 2 बराबर कितना हो गया 0, यानी कि इस पे 0 आया तो इस पे भी कितना आएगा 0 आएगा, समझ में आया। यहाँ पे अगर 0 इसका आ जाता है तो इसका भी कितना आ जाएगा भैया, इसका भी कितना आएगा 0 ही आएगा ना, 0 हम लोग ऐसे लिखेंगे, नहीं तो कहोगे कि यह लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित कर रहा है, यानी कि यह जो आपका तीसरा और चौथा जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर कितना फॉर्मल चार्ज आएगा, 0 आएगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह जो आपका SO4-2- है। अच्छा एक चीज़ अभी छूटा है, यह जो आपका सल्फर है, सल्फर पर निकाल लेते हैं FC ऑन सल्फर एटम, मतलब फॉर्मल चार्ज ऑन सल्फर एटम, तो सल्फर के वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, और ये जो सल्फर इसके पास कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, और सल्फर के पास कितने 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 कितना बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 4, 4, 8, 2, 10, 2, 12 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 12 बटे कितना हो जाएगा 2, 6 - 6 तो ये कटेगा तो 6 आएगा ना भाई, तो यहाँ कितना हो जाएगा 0, मतलब ये जो आपका 0 आएगा वह क्या हो जाएगा, आपका सल्फर पर फॉर्मल चार्ज आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि यह जो आपका सल्फर एटम होता है, वह सल्फाइड जो आपका होता है, SO4- मॉलिक्यूल होता है, इसके 2 ऑक्सीजन पर क्या होता है -1 - 1 होता है, और बाकी सब पर फॉर्मल चार्ज क्या होता है 0 होता है, ठीक है। चीज़ें आपको फाइनली समझ में आ गई होंगी, नोट करिए फिर हम कुछ आपको दे दें घर के लिए, नोट करिए फिर हम घर के लिए कुछ आपको दे दें, आपको घर से करके आइएगा, ठीक है। जैसे इसको निकालें हम आपको दे देते हैं घर के लिए, यह चीज हम SO3-2- H3O+ NO2+ सॉरी NO2- करो NO2-, फिर इसके बाद और दे दें हम आपको, जैसे मैं लिख दिया HClO4 और फिर इसके बाद HClO4 हो गया, फिर कार्बोनेट निकाल लीजिएगा CO3-2- और फिर इसके बाद अगला करिएगा PO4-2-, ठीक है PO4-3- और एक लिखिएगा O3 और एक लिखिएगा O2। इन सब के लिए आपको क्या निकालना है भैया, फॉर्मल चार्ज निकालना है, यानी कि FC की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, करके आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा इस तरह से, ठीक है। आज की क्लास में फिलहाल इतना ही, अब हम मिलेंगे कल की क्लास में नए टॉपिक के साथ, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का।